ट्रेंड सेट कर दिया कि भाई रोल के लिए हम कौन से भी हद तक जा सकते हैं। इतना लंबा खींचने की जरूरत नहीं थी। पृथ्वीराज सुकुमार इट वॉज अ सुपर माइंड ब्लोइंग लेवल के बाद जो लगा डेजर्ट वॉकिंग पार्ट था वो लंबा लग गया मेरे को, क्योंकि डायलॉग नहीं है, देन यू फील डिस्कनेक्टेड। उन्होंने कहा कि उन्होंने 16 साल लगाए इस फिल्म के लिए। 3 साल के बाद जब उसकी हालत में देखी तो मैं खुद रोया था। आई कैन रियली फील द पेन ऑफ दैट मैन। पृथ्वीराज है वो तो अपने आप में ही बहुत अच्छी, बहुत बेमिसाल एक्टर है। बड़े मियाँ छोटे मियाँ में मेन विलन बन के आ रहे हैं। ऐसे सब्जेक्ट में यू कांट रियली लुक फॉर अ मसाला एंड कमर्शियल एस्पेक्ट। ऐसे फिल्म से शिक्षा प्राप्ति फिल्म है ये। पृथ्वीराज इफेक्ट एफर्ट्स एज वेल एंड आल्सो द रेस्ट ऑफ द कास्ट एज वेल। इतने जबरदस्त तरीके से काम किया ना भाई, अवार्ड मिलना चाहिए, नेशनल अवार्ड मिलना चाहिए, नेशनल क्या ऑस्कर अवार्ड मिलना चाहिए इसे। नमस्ते नमस्कार, मैं हूँ विदेश सिंह और आप देख रहे हैं बज़ूका। तो जैसे कि मैं अभी थिएटर में मौजूद हूँ और यहाँ पर द गोट लाइफ जो मूवी है वो सिनेमा घरों में दस्तक दे चुकी है, और ऐसे में हम हमारी मीडिया पर्सन से जानने की कोशिश करेंगे कि उन्हें ये मूवी कैसी लगी और उनकी इस मूवी को लेकर राय मत क्या है। तो आइए चलते हैं। ये मूवी बहुत अलग है, बहुत ऑफ बीट है, और इसमें एक अलग सा जो डायरेक्शन है वो बहुत अलहदा है। सारी कुछ अच्छा है, स्क्रिप्ट अच्छी है, लेकिन फिल्म में जो सैंड वाले सीन्स हैं वो बहुत लंबा उनको ड्रैग किया। इतना लंबा खींचने की ज़रूरत नहीं थी, दिखा देते कि 3 दिन में इतनी हालत ख़राब हो गई उतनी हो गई। तो मैम ये जो एक्टर उन्होंने अपनी एक्टिंग की उनको लेकर, देखिए जो पृथ्वीराज है वो तो अपने आप में ही बहुत अच्छी, बहुत बेमिसाल एक्टर है। अभी बड़े मियाँ छोटे मियाँ में मेन विलन बन के आ रहे हैं, और आज भी वो बॉम्बे में मौजूद हैं। उन्होंने कहा कि उन्होंने 16 साल लगाए इस फिल्म के लिए, तो और उन्होंने जिस तरह से अपने आप को ट्रांसफॉर्म किया एकदम, जो जी बॉडी को वेट लॉस बहुत अच्छा, एक्सट्रीमली गुड। एंड स्टोरी स्क्रिप्टिंग ठीक है, लेकिन इतना लंबा नहीं खींचना था। थोड़े से अच्छे सीन्स जो गांव के दिखाते थे पानी में उसकी वाइफ और उसका, वो थोड़ा सा बीच बीच में और थोड़ा सा होना चाहिए था। तो थोड़ा सा ये लेंथी हो गया। हाँ सबसे पहले बताओ तो सबसे पहले मूवी काफ़ी इंटरेस्टिंग है। एक ऐसे सब्जेक्ट्स को एक्सप्लोर किया है जो अक्सर इंडिया में होता है। इंडिया के जो यहाँ पे बहुत सारे सपने सजा के हम बाहर का देश में जाते पैसे कमाने, फॉर टू हैव अ बेटरमेंट, अपने परिवार का ख्याल रख सकते हैं, आगे का फ्यूचर देख सकते हैं, इसलिए हम बाहर का जाते हैं ताकि 2 पैसे एक्स्ट्रा मिले। बट अक्सर ये फार्मूला काम नहीं करता। हमने डंकी फिल्म में भी देखा है, वो लोग डंकी मार के जाते हैं टू हैव अ बेटरमेंट, बट ऐसा तरीका ज़्यादातर लोगों के जीवनों में काम नहीं आता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि ऐसे फिल्म से शिक्षा प्राप्ति फिल्म है ये, और इससे हमने शिक्षा ये लेनी चाहिए कि हमेशा हमने गलत देश में, नॉट टॉकिंग अबाउट गलत देश, बट गलत लोगों के साथ जो एजेंट होते हैं, फ्रॉड एजेंट के थ्रू अगर हम जाते तो हर एक गलत जगह पे अपन फंस जाते हैं। ऐसा मेरे एक दोस्त के साथ हुआ था, जो मैंने उसके 3 साल के बाद जब उसकी हालत में देखी तो मैं खुद रोया था। सो ऐसा मैंने अपने मेरे खुद के लाइफ एक्सपीरियंस में मैंने एक्सपीरियंस किया है, तो मुझे काफ़ी कनेक्ट कर गई ये फिल्म। दूसरी चीज़, पृथ्वीराज सुकुमार इट वॉज अ सुपर माइंड ब्लोइंग टू वॉच हिम ऑन अ बिग स्क्रीन। उसका डेडिकेशन, उसका एफर्ट्स, उसका डायलॉग डिलीवरी, उसका परफॉर्मेंस वॉज अ ज़बरदस्त। दूसरी चीज़ कहना रहेगा कि इसमें जो लीड एक्ट्रेस है, माफ़ कीजिएगा मेरे को उसका नाम याद नहीं आ रहा है, बट उनकी भी पेयरिंग काफ़ी अच्छी है। उनके सीन्स कम है, बट सुकुमारन विंस द हार्ट। ए आर रहमान का म्यूज़िक काफ़ी अच्छा खासा है। लोगों को कहीं ना कहीं डेफिनेटली एक स्टैंड देना चाहिए इस फिल्म के लिए। इस फिल्म में इमोशनल जर्नी बताई गई है एक आदमी की जो सर्वाइव कर रहा है उस डेजर्ट्स में, जस्ट टू फाइंड अ राइट वे टू गो होम। तो फाइनली उसको जब मिल जाती है तो ऑफकोर्स लोगों के थोबड़े पे मुस्कान आ जाती है। तो मुझे ऐसा लगता है एक आपको अच्छा है, बेहतरीन एक्सपीरियंस कराएगी ये हटके कुछ फिल्में, और पृथ्वीराज सुकुमारन का डेडिकेशन आपको देखने मिलेगा। सो मुझे ऐसा लगता है कि आपने इस फिल्म को देखना चाहिए, और जाते हैं तो इस फिल्म को मैं 3.5 स्टार देना चाहूँगा आउट ऑफ 5। एंड व्हाट अबाउट ट्रांसफॉर्मेशन? हाँ, ट्रांसफॉर्मेशन की दाद देना चाहूँगा। स्पेशली मैंने साउथ एक्ट्रेस में देखा था, अगर आपको याद नहीं तो मैं आपको बता दूँ, शंकर की एक फिल्म आई थी आए, तो उसमें उस एक्टर का नाम मुझे याद नहीं आ रहा है, चिया विक्रम ने अपने आप को इतना श्रिंक कर दिया था उस रोल में फिट दिखने के लिए।
दूसरी चीज़ अभी हार्डली में हमने देखा था सरबजीत में रणदीप हुड्डा ने किया था, अगेन इन स्वतंत्र वीर सावरकर में उन्होंने अपने आप को वैसा किया, नाउ दिस। सो इतने डेडिकेशन लेवल के एक्टर्स हैं ना, दिस एक्टर्स आर सो टैलेंटेड, इतने ये लोग ने एक रिवॉल्यूशनरी सेट कर दिया, ये लोग ने एक ट्रेंड सेट कर दिया कि भाई रोल के लिए हम कौन से भी हद तक जा सकते हैं, और वो मेहनत वो लोग बड़े पर्दे पे आपको देखने मिलेगी। सुकुमारन का जो बेल्ट लगाने वाला, मेरे खुद से आंखों से आंसू, बेस्ट सीन, जो अपने बेल्ट के लिए उसको उसने उसको महसूस हो रहा है कि भाई मेरा इतना वजन कम हो गया कि मेरी पैंट मेरे को नहीं आ रही थी जो मेरे को आती थी, फिर आदमी वो अपना वो धागा निकाल के बांध देता खुद की पैंट को। अरे हैट्स ऑफ टू दैट सीन, इतने ज़बरदस्त तरीके से काम किया ना भाई, अवार्ड मिलना चाहिए, नेशनल अवार्ड मिलना चाहिए, नेशनल क्या ऑस्कर अवार्ड मिलना चाहिए इसे। वैसे ऐसा भी होता है कि जो लोग कहते हैं ना कि गांव से अब पलायन करके शहरों में जाते हैं, आउट ऑफ कंट्रीज में जाते हैं अपने आप को बसाने के लिए, उतना स्टेबल बनाने के लिए, तो उसको लेकर आपका क्या कहना है कि लोग इस चीज़ को फील, ये जो चीज़ बताई गई है वो रियलिटी है और लोग इसे असलियत। जैसे कि मैंने थोड़ी देर पहले इसका आंसर दिया कि मेरे दोस्त के साथ ऐसा हुआ था, वो बंदा जा रहा था अदर कंट्रीज, आई मीन ये अरब कंट्रीज में जा रहा था, और टू हैव अ बेटर मैन, टू हैव अ बेटर सैलरी, टू हैव अ बेटर वर्क, ये वो, बट वहाँ पे जाके उसको है ना गधे लोगों को धुलाने के लिए काम दिया, तो वो इतना मुझे टच कर दिया ना कि मतलब हम जाते हैं बेटरमेंट के लिए, बट वहाँ पे हमको कि एक और मेरे फ्रेंड का किस्सा है, उसको जॉब आया था वहाँ पे एक रेस्टोरेंट में मैनेजर का, बट वहाँ पे जाके बाद पता चल रहा है कि 96 ईयर्स ओल्ड की आंटी का गू साफ करना पड़ रहा है उसको, उसके बॉडी को ये करना पड़ रहा है, सो दैट्स वो सारे काम उसको करने पड़ रहे थे। तो ऐसे चीज़ें होती है, एक्सपीरियंस किए हैं मेरे दोस्त लोगों ने, सो इससे मुझे काफ़ी सीख मिली है एंड ये फिल्म मुझे काफ़ी इनो टच। लास्ट एक इंटरेस्टिंग सवाल, क्या होगा अगर आपके साथ में कुछ ऐसा होगा कि आप रेगिस्तान में फंस जाओ तो आप क्या? आई कैन नॉट इवन थिंक लाइक दैट, मैं अपने फैमिली से दूर नहीं रह सकता, आई रियली लव माई फैमिली, आई रियली लव माई पेरेंट्स, आई कैन नॉट इवन इमेजिन, आई एम सॉरी मैं अभी थोड़ा इमोशनल हो जाऊंगा शायद, मैं उनके बिना मैं सोच भी नहीं सकता, आई एम नथिंग बिकॉज आफ्टर वॉचिंग दिस yes 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 I can really feel the pain of that man, I cannot live without my family, I really love my family. So rating up out of 5, dekhiye film ke agar hisab se dena chahe to main is film ko main 3.5 star dena chahunga out of 5, but jaate jaate yahi kehna chahunga every man loves their family and family ke liye wo bahar jata hai, family ke liye ek betterment ke liye wo bahar jaake kaam karke paisa kamana dekhta hai, और अगर ऐसी सारी चीज़ें होती तो ऑफकोर्स आंखों में आंसू आ जाते हैं। वैसे सर एक लास्ट क्वेश्चन, क्या ये ऐसा लगा कि मूवी थोड़ा सा लेंदी हो गया है? यस, कुछ कुछ जगह पे ऐसा लग रहा है कि रिपीटेटिव सीन्स है, जैसे कि अपना उसका जो दोस्त था वो दोस्त को पानी दिखाई दे रहा है, वो भाग रहा है भाग रहा है भाग रहा है, अगेन दूसरे चीज जगह पे अरे पानी मिल रहा है भाग रहा है भाग रहा है भाग रहा है, अगेन तीसरे चीज़ पे देख रहा है पानी दिख रहा है भाग रहा है भाग रहा है, बट वहाँ पे कुछ है ही नहीं, तो वो लोगों को ऐसा खाब आ रहा है यहाँ पे पानी होगा वहाँ पे पानी होगा, तो मुझे लगा कि थोड़ा बहुत रिपीटेटिव सीन्स हो रहे हैं, फिर बाद में एक जगह पे ऐसा लगा कि थोड़ा सा बोरिंग सीन चल रहा है, मतलब वही उसका फर्स्ट पार्ट में उसका सर्वाइव ड्रामा दिखाया कि क्या क्या सर्वाइव करता है, सेकंड में उसका प्लान दिखाया कि कहाँ से वो लेके शहर तक कैसे आता है और कैसे अपने आप को छोड़ा था उन सारी चीज़ों में, तो थोड़ा बहुत फर्स्ट हाफ में और सेकेंड हाफ में थोड़ा बहुत बोरिंग लगा, बट अगर उन सबको इग्नोर करके देखोगे तो आपको एक अच्छा कंटेंट देखने मिलेगा, एक अच्छी फिल्म देखने मिलेगी, अच्छी स्टोरी देखने मिलेगी, और मैंने जहाँ तक पढ़ा है ये फिल्म एक रियल नॉवेल के ऊपर बेस्ड है, जिसने तमिलनाडु में पूरे धुआंधार वो नॉवेल का सेलिंग हुआ था, 2,50,000 सेलिंग उसकी बुक की हुई थी जहाँ तक मुझे आइडिया है, उसके आगे मैं कुछ नहीं बोल सकता, मे बी आई एम रॉन्ग। मूवी अच्छी थी, इंटरवल के बाद थोड़ी लंबी लगी मेरे को, जो उनका डेजर्ट वॉकिंग सीन है वो छोटा होता था तो और अच्छा होता, टायरिंग थी काफ़ी। एंड सर जो ये स्टोरी इसमें बताई गई जो कि एक रियलिटी से है कि एक छोटे शहर एक छोटे गांव से बड़े कंट्रीज का सपना देखना, वहां पे काम करना और फिर बाद में उनके साथ फ्रॉड हो जाना, दैट्स अ वेरी कॉमन स्टोरी जो इन्होंने उठाया है, वो अच्छा किया है, जिस तरह से उन्होंने डिस्क्राइब किया गाँव के छोटे जो एस्पिरेशंस है, जो अपना घर गिरवी रख के सब बाहर जाते हैं, वो अक्सर ऐसा होता है और हम लोग सुनते भी आए हैं और पहले से बहुत बार ऐसा होता भी है, और बड़े अच्छे तरीके से दिखाया, मतलब स्टोरी काफ़ी हार्ट टचिंग है, जब आप देखते हो किसी आदमी का पूरा एक जवानी छिन जाता, इट्स वेरी डिप्रेसिंग फैक्ट बट ट्रू। स्टोरी स्क्रिप्टिंग कैसी? वो अच्छी थी, मेरे को भी खाली इतना लगा कि इंटरवल के बाद जो उन लोग का डेजर्ट वॉकिंग पार्ट था वो लंबा लग गया मेरे को, क्योंकि डायलॉग नहीं है, देन यू फील डिसकनेक्टेड। एक्टर की एक्टिंग कैसी? परफॉर्मेंस वाइज सबने बहुत अच्छा काम किया।
सब ने। एंड आपको इस मूवी का बेस्ट सीन कौन सा लगा? बेस्ट सीन अगर लगा होगा तो जब वो पहली बार होप में रोड देखता है, उसके मुंह पे जो खुशी आती है वो आवाज सुन के, वो कपल का सीन। एंड ये जो मतलब लाइक अगर देखा जाए तो इसमें उनके एक तो एक भाई के जैसा होता है और एक अदर कैरेक्टर होते हैं उनको लेकर क्या है, जो अफ्रीकन होते हैं, अफ्रीकन जो उनको हेल्प करता है। आई बिलीव कि वो आपके रियल लाइफ में भी आपको सिचुएशन ऐसा आता है कि आपको कोई ना कोई आपको हेल्प करके चला जाता है विदाउट एनी रीज़न, भले वो कैसा भी आदमी हो आपके लिए तो वो भगवान रहता हो। जस्ट आई वॉन्ट टू नो कि आपको ये स्टोरी स्टोरी तो काफ़ी इंट्रीडिंग है एंड काफ़ी एंगेजिंग भी है इन द सेंस, थोड़ा स्लो है बट आई थिंक ऐसे सब्जेक्ट में यू कांट रियली लुक फॉर अ मसाला एंड अ कमर्शियल एस्पेक्ट। व्हाट अबाउट स्टोरी स्क्रिप्टिंग, बिकॉज़ जो रेगिस्तान द सिनेमाटोग्राफी एंड ओवरऑल एस्पेक्ट ऑफ द मूवी इज रियली गुड। आई वुड से दैट द एफर्ट ऑफ 16 ईयर्स दैट ब्लेसी हैज टेकन हैज फाइनली कम टू लाइफ एंड पृथ्वीराज एफेक्ट एफर्ट्स एज वेल एंड ऑल्सो द रेस्ट ऑफ द कास्ट एज वेल, but with limited characters what you can pull off something like this is really nice. And what about the actors acting? The actors acting and all is pretty good to the point as well. There is not much as such various layers and exploration in terms of it, but whatever it is it's true to the character, so it's pretty good. So movie kaisi lagi? Bahut achhi lagi, bahut achhi film hai, dekhne lage aankhon ke rakhti hai. Story scripting kaisi? Story kafi acha hai, presentation kafi acha hai aur har scene mein lagta hai ki aage kya hone wala hai, aage kya hone wala hai aisa. और आप इस मूवी को कितना? 4। ओके, मतलब बहुत अच्छी स्टोरी। और इंडियन एक्टर, वो साउथ इंडियन बहुत अच्छा काम था, सबका काम अच्छा था। एंड आप इस मूवी को कितना रेटिंग देना चाहोगे? मैं 3.5 से 4 के बीच में कहीं पे। और ज्यादा है तो इस फिल्म को मैं 3.5 स्टार देना चाहूंगा आउट ऑफ 5। 3.5 एटलीस्ट 4। जैसे कि हमने हमारी जनता जनार्दन से बात किया और ऐसे में हमारी जनता का कहना यही है कि उन्हें ये मूवी काफ़ी ज़्यादा हार्ट टचिंग लगी, क्योंकि जिस हिसाब से एक्टर ने अपनी ट्रांसफॉर्मेशन की है इस मूवी में और रेगिस्तान का सीन जो बताया और उसमें जो बाकी कैरेक्टर्स थे वो इतने उम्दा तरीके से उन्होंने अपनी एक्टिंग की है, इतनी फैबुलस एक्टिंग की है, स्टोरी अच्छी थी, बस थोड़ी सी लेंदी होने की वजह से लोगों को थोड़ा सा ये नेगेटिव ये इस मूवी में पॉइंट लगा, अदरवाइज ये मूवी लोगों को काफ़ी ज़्यादा पसंद आई है। इनके जो डायरेक्टर हैं वो ब्लेसी हैं जिन्होंने इसको निर्देशित किया है। और ये थी हमारी जनता जनार्दन की राय मत। वेल, आपको कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर बताएं। ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट के लिए देखते रहें बज़ूका।